फिल्म नीरजा का ट्रेलर मुंबई के एक थिएटर में लॉन्च किया गया, जहां पहुंची हुई थी इस फिल्म की लीड रोल को निभाती हुई सोनम कपूर और इस फिल्म के डायरेक्टर साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स भी। और फिर सवाल जवाब के दौरान जब नीरजा के बारे में पूछा गया तो सोनम ने क्या कहा, सुन लीजिए। I remember meeting Shanti, who's my agent and also a really close friend of mine, and she said, there's this movie that we want to make. I said, you guys are producing now? I was like, what about me? So she's like, no, this is, of course, we'll always be your agents. I'll always be your agent. She always says this to me. And so I was like, so what? So she's like, this is the story and this is this girl. And I was like, but she's just like me. She's from Bombay and she went to this school and she went to this college and she did all of this. I was like, are you sure you want me to do this? I was like, this is a huge responsibility because she's this person and I'm just an ordinary girl from JVPD scheme. And she's like, but she was an ordinary girl as well from Bombay. And I said, okay, I think I should do it. I said, it's scary, but I'm going to do it. जब 1986 में प्लेन हाईजैक किया गया था तो एयर होस्टेस नीरजा भनोट ने अपने दम पर लड़ते हुए आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए और कई जाने बचाई और आखिरकार वीरगति को प्राप्त हुई। इस पल को सोचते हुए सोनम कपूर की आंखें भी भर आईं। It's sitting here right now. फिल्म में सोनम कपूर की माँ बनी हुई शबाना आजमी ने क्या कहा, सुन लीजिए। तो जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ तो मुझे जो बात खास, मैं एक सेंट्रल पॉइंट ढूंढती हूँ किसी भी कैरेक्टर का जब करती हूँ, और मुझे उसका सेंट्रल पॉइंट लगा था कि ये बहुत खरी औरत हैं, ये जो हैं जैसी दिखती हैं ठीक वैसी ही हैं। ये मुझे रमा जी से मिला था और मैंने कोशिश की है कि ये जो खरापन है रमा भनोट का पूरी तरह से वो पर्दे पर आ सके। Well, इन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बायोपिक पर काम चल रहा है और उनमें से ही एक है नीरजा।